क्या भारत मूवी भारत की सबसे बड़ी मूवी बन पाएगी? भारत मूवी की कहानी का फ्लेवर क्या है? क्या भारत बाकी सभी फिल्मों से अलग है? और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कंपटीशन के चलते 300 करोड़ इतनी जल्दी कैसे कमा लिए? स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत सलमान खान स्टारर मूवी के बारे में। दोस्तों अली अब्बास जफर की सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी भारत 5 जून को रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है, निश्चित तौर पर सोना है, गोल्ड है। तो वही केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस ईद ही नहीं, सलमान खान अपने करियर की सबसे पहली बार भारत की ही नहीं बल्कि अपने करियर की भी 300 करोड़ वाली फिल्म सलमान खान इतिहास में दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये फिल्म सलमान खान के करियर में सलमान खान के 30 साल के करियर में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी भी शायद बन सकती है। अभी तक सलमान खान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है टाइगर जिंदा है, जिसको प्रोड्यूस और जिसके डायरेक्टर थे अली अब्बास, जिसको प्रोड्यूस किया था यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूँ तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था, और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है।
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है ना यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी और इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ा कर रख दिए है। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में,
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था, और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है। था यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी और इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए है। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए। और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर, दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल, दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि
इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है यश राज में। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए। और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर, दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुण था और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल, दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है।
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है। था यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती हैं। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुण था और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है।
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है ना यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी और इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था, और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुण था और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल, दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है।
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है। था यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी और इमोशनल सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए है। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में,
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था, और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है ना यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए है। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए। और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर, दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है, तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी।
दोस्तों आपको बता दे कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुण था और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। वेल, जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। वेल, दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान, सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। वेल, सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में, लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती है। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे, और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल, दोस्तों फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस बार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ही नहीं बल्कि दिशा पाटनी के साथ भी रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और जब से सलमान खान के फैंस ने उनके उस गाने को देखा है जो कि स्लो मोशन सॉन्ग है, उस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी की जो रोमांस सीन्स दिखाए गए हैं उसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर और दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, और साथ ही साथ दिशा पाटनी का कैरेक्टर। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें दिशा पाटनी और सलमान खान 60 के दशक में प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, तो दोस्तों देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दिशा पाटनी के स्टंट्स देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि
क्योंकि इस फिल्म में वो एक ट्रेपिस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन स्टंट्स के लिए वो लगभग 1 साल या फिर 8 महीनों से प्रैक्टिस और अपनी क्षमता से ऊपर मेहनत कर रही है। तो उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। अब इस फिल्म में क्या बचता है? खूबसूरती का भंडार। दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म में खूबसूरती का भंडार ही तो लग रही है। उनके किरदार में ढेर सारा ह्यूमर है, एक अपनापन है, बॉस जैसा फील आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैटरीना कैफ अपने करियर के सबसे अच्छे सबसे बेस्ट रोल में हमें इस मूवी में नजर आ सकती है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की मैडम सरजी होती है। उनके जो रोमांस के सीन बताए गए हैं काफी खूबसूरत और काफी नए प्रकार के लग रहे हैं स्क्रीन पर। इस कहानी में इस बार सलमान खान किसी हीरो को छेड़ते हुए हमें नजर तो आते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ सलमान खान को इस मूवी में इस बार छेड़ते हुए नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर, इस जोड़ी को लेकर फैंस सबसे काफी इंतजार में बैठे हुए थे। 5 जून को रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की पहली स्क्रीनिंग कब का हो चुकी थी। अगर सूत्रों की माने तो फिल्म की स्क्रीनिंग जिसने भी देखी थी सच में वो फिल्म की तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। और सबका यही मानना था कि सलमान खान अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ईद 2019 में मनाने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दोस्तों पिछले 2 सालों से सलमान खान लगभग ईद पर निराश करते आ रहे हैं, लेकिन भारत मूवी के लिए सभी के पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेहतरीन, कारगर और एकदम कंप्लीट मूवी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, आप पलके झपका पाएंगे। इस कहानी को इतने शानदार तरीके के साथ पिरोया गया है, या फिर यूं कहे अली अब्बास और सलमान खान की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है। था यश राज ने। दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूं तो इसमें भी हमें सलमान खान ही नजर आए थे लीड रोल में, और सलमान खान के ऑपोजिट एज ए लीड इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर हमें नजर आई थी अपने अदा बिखेरते हुए कैटरीना कैफ। हालांकि हमें इस मूवी में भी कैटरीना कैफ ही नजर आई थी, लेकिन इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अपना जो रोल अदा किया था जोया का, उनके कैरेक्टर का नाम जोया होता है, उन्होंने अपने कैरेक्टर जोया का एक्टिंग थी वो बहुत निपुणता और बहुत सुंदरता से पब्लिक के सामने परोस दिया था। उस मूवी ने 329 करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी। जहां फैंस को इस फिल्म से कहीं ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है, तो एक नजर डालते हैं कि फैंस आखिर इस मूवी में चाहते क्या है। एक दिलचस्प कहानी, फिल्म की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 से शुरू होकर 2010 पर खत्म होगी, और जैसा कि सलमान खान हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी कहते हुए नजर आए कि पुराने जमाने में उनकी जिंदगी काफी रंगीन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस मूवी को लेकर सलमान खान काफी रंगीन है और इस मूवी की कहानी भी काफी रंगीन हमें नजर आएगी। दूसरी ओर इमोशनल सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 से 5 फिल्म में इमोशनल पद पे की है, लेकिन सलमान खान ने जब भी इमोशनल एक्ट किया है तभी सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी में बिछड़ावा और बंटवारे वाले लोग काफी नजर आएंगे, तो मूवी में इमोशंस भी जमकर दिखाई देंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ को जोड़ी को लेकर काफी फैंस के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हम जब ये कह सकते हैं कि पहली बार फैंस अपने सुपर हीरो सलमान खान को अपनी सुपर हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ शादी करते हुए देख सकते हैं, भले ही फिल्म में
लेकिन ये ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर रियल में शादी होगी, ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलती हैं। तो वहीं जहां बात आती है परिवार और प्यार की, तो सलमान खान का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान ही एक पहले ऐसे हीरो है जो जो फ्रेंड्स को छोड़कर फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सलमान खान की हर मूवी इस टाइप की होती है, जिस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ जाकर बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना कोई संकोच किए। फिल्म में जहां एक तरफ भारत की रंगीन जिंदगी का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ एक भारत के परिवार का भी पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सलमान खान की फिल्मों को इस प्रकार से ही जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परिवार को इतनी ज्यादा तरह से, इतनी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो देखते ही बनती है। और साथ ही साथ इस मूवी के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास अपने प्यार से इस मूवी में परिवार और दोस्तों के बीच में जो लाइन आती है उसको भी बनाकर चलते रहेंगे। और दोस्तों मूवी को देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। वेल दोस्तों, फिल्म में केमिस्ट्री ना हो तो फिल्म में मजा नहीं आता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री जबरदस्त होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बार